गुम हो जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है CEIR, जिस पर जाकर आप अपना IMEI ब्लॉक करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके IMEI का आपके मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो ये कार्रवाई आप ज़रूर करें। कंप्लेंट दर्ज करने से पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप उसमें जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल होने से पहले उसमें डला हुआ था। तो उसके लिए आपको उसी नंबर की दूसरी सिम निकलवानी होगी। दूसरी सिम निकलवाने के लिए आप थाने जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वहाँ से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ से आपको कंप्लेंट नंबर भी मिल जाता है जो कि आपको इस फॉर्म में सबमिट करने में आपको आवश्यकता होगी उसकी। दूसरा, आपको उस मोबाइल के बिल की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा, आपका आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज जो कि वहाँ आपको सबमिट करने होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो ये कार्रवाई आप ज़रूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप IMEI ब्लॉक करा सकते हैं।
जब से ये पोर्टल चालू हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 6 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, IMEI ब्लॉक हुए हैं और उसमें लगभग 2.5 लाख के समथिंग उसमें मोबाइल रिकवर भी हुए हैं। तो आप वहाँ जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये आपके लिए आवश्यक भी है।